हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा एक कॉमन गैस के बारे में जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं केमिकल विद्या। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस, ओडरलेस, इसके साथ साथ एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। इन सभी चीजों के साथ साथ वो एक एज अ ग्रीन हाउस गैस काम आता है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, हमारे अर्थ के लिए एज अ ग्लास काम होता है। कोई भी गैसेस अगर वो ग्रीन हाउस है तो हमारे अर्थ के लिए वो एज अ ग्लास काम आती है। जो भी सन की रेडिएशन आती है वो रिफ्लेक्ट करके अर्थ को गर्म बनाए रखने के काम आती है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस होता, जहां हम सब जिंदा नहीं रहते थे। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस ज्यादा होता है तो हमारे अर्थ को गर्म बना देते, तभी भी हम जिंदा नहीं रह सकते, जो कि बढ़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हमारे अर्थ में रहना चाहिए 0.03%, जो कि बढ़ के 0.034 हो गई है, जिससे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म हो चुका है। हमें भी एहसास होता है कि समर में ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो ये सब ग्रीन हाउस गैस बढ़ने की वजह से होता है। तो ये सब था ग्रीन हाउस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में आता कैसे है? जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो छोड़ते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे नेचर ने एब्जॉर्ब करने का प्लांट बनाया। तो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है, अपना खाना बनाती है। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट खाती है और प्लांट को हम खाते हैं, तो हम ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करते हैं। अब ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी उसकी डेंसिटी, जो डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, जो एयर से कांटेक्ट तोड़ देते हैं। मैं फायर एक्सटिंग्विशर पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसके मैं क्लियर कर दूंगा उसके अंदर कैसे कैसे केमिकल होते हैं। तो ये था उसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड की मेल्टिंग पॉइंट, जो कि -58 डिग्री सेल्सियस है, जो कि उसे ड्राई आइस भी बोलते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में रहता है, तो उसे ड्राई आइस बोलते हैं, जो कि यूज होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में एज अ रेफ्रिजरेंट। किसी भी चीज को जल्दी से ठंडा करने के लिए एज अ कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस यूज करते हैं, तो फटाक से जल्दी हो जाती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा कॉमन एप्लीकेशन क्या है, सोडा की बॉटल वगैरह में, ब्रेड बनाने में, इडली डोसा वगैरह बनाने में, ये सब चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड का ईस्ट डाल के हम बनाते हैं, उससे जल्दी फूक जाता है, वो बफी टाइप का हो जाता है। तो ये भी एक था बेसिक यूज। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बेसिक यूज एंड उसके एप्लीकेशन आता कहाँ से। एंड एक और चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर घर में बनाना तो कैसे बनाते हैं, आप एक बॉटल लीजिए और उसके अंदर विनेगर डाल दीजिए, बेकिंग सोडा डाल दीजिए और फिर पानी डाल दीजिए, तो ये धीरे 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 उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनना चालू हो जाता है, जो कि आप यूज कर सकते हो। एंड कुछ बातें और कि कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई जो था वो भी घर में बना सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके, इसके बारे में बताऊंगा फायर एक्सटिंग्विशर की वीडियो में। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके साथ साथ एक और बातें बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो की ऑडियो की क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ। मुझे पहले लगता था कि मैं वीडियो डिस्कशन के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अब धीरे 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 मुझे लग रहा है कि थोड़ा लोकल लैंग्वेज हो गए, तो मैं अब स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऑडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करूंगा एंड उसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा। होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो बाय बाय।